हेलो व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर बजाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका निखार ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के चैनल पे। दोस्तों आज मैं फेशियल का डेमो देने जा रही हूँ अपने एक क्लाइंट के ऊपर। मैं इनका फेस आपको दिखा दूँ तो इनको फेशियल कराए बहुत दिन हो गया है और क्योंकि बहुत गर्मी है तो ये चाह रही हैं कि कुछ ऐसा फेशियल हो जिसके वजह से इनके चेहरे में इनके थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, जैसे अंडर आई प्रॉब्लम है, स्किन पे कई जगह ब्लैकनेस है और डस्टिंग बहुत ज़्यादा है, वो आराम हो जाए, इसलिए ये फेशियल कराने आज मेरे पास आई हैं। तो मैंने इनको सजेस्ट किया है, जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास ये मेरे ट्रॉली में कौन सा फेशियल है। मैं इनको सबसे पहले ब्लीच करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन जब हो जाता है तो डस्ट एकदम आपके स्किन पे चिपक जाता है। तो ब्लीच तो वैसे मैं करने के लिए अवॉइड करती हूँ, लेकिन जब आपको ज़्यादा समय हो जाए तो ब्लीच आपको ज़रूर करना है, एक बार चाहिए, क्योंकि ये डस्टिंग को एकदम अंदर से निकाल देता है और आपके चेहरे को एकदम निखार देता है। तो मैं आज इनके ऊपर ओलिविया हल्दी चंदन ब्लीच करने जा रही हूँ। इसमें हल्दी है, चंदन है, एलोवेरा है एंड नींबू है। तो इसमें आपको पता ही है कि ये तीनों चीज़ हमारे स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना अच्छा असर करता है। हल्दी और चंदन मिलके आपके रंग रूप को निखारते हैं, एलोवेरा आपके स्किन को सॉफ्ट और मुलायम रखता है और नींबू आपकी जितनी भी डस्टिंग है स्किन को हटाता है। तो ये ओलिविया हर्बल ब्लीच है जो सबके चेहरे के लिए सूटेबल है और बहुत ही अच्छा ब्लीच है। आज मैं ये करने जा रही हूँ इनके चेहरे पर। सेंसिटिव स्किन पे जो लोग कहते हैं कि ब्लीच हम कभी नहीं कराते हैं, उनके लिए भी ये ब्लीच बहुत बहुत ही अच्छा पड़ता है। दूसरा मैं इनके ऊपर आज करने जा रही हूँ लोटस का पर्ल फेशियल और ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। ये तुरंत स्किन को लाइट करके एकदम शाइनिंग कर देता है, जैसा कि आप इसके डब्बे पर भी इसका लुक देख रहे हो। मैं बता दूं कि ये फेशियल किस तरह के फॉर्म में होता है। इस डब्बे में आपको तीन से चार इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस मिलते हैं और इस बॉक्सेस में आपको चार पैकेट मिलते हैं। ये फेशियल थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, आपको 800-900 तक का ये आपके किसी भी पार्लर में ये फेशियल किया जाता है, क्योंकि लोटस आपको पता ही है कि एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है और इसकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही हर्बल और बहुत ही अच्छी होती हैं। तो जैसे आप मेरे हाथ में ये पैकेट्स देख रहे हो, इस तरह के इसमें जो है चार पैकेट देता है। पहले पैकेट में ये आपको देगा स्क्रब और क्लिंजर दोनों मिला हुआ, तो आपको स्किन को इसको 5 मिनट लगा के छोड़ना है, ये क्लिंजिंग हो जाएगी और उसके बाद स्क्रब करना है। सेकंड में आप आओगे तो सेकंड में ये आपको देता है एक्टिवेटर करके देता है, जो स्किन को जो है आपके पोर को खोल देता है, आपकी गंदगी को बिल्कुल रिमूव कर देता है और स्किन को शाइन कर देता है, ग्लोइंग कर देता है। उसके बाद आप थर्ड नंबर पे जब आते हो तो थर्ड नंबर पे ये आपको देता है क्रीम मसाज, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हो। इससे आपके चेहरे में बहुत लाइटनिंग आती है, आपका चेहरा एकदम स्मूथ और मुलायम हो जाता है। और लास्ट में ये आपको देता है मास्क यानी कि फेस पैक, और ये चारों स्टेप आपको करने में कम से कम 1 घंटा लगना चाहिए, 1.5 घंटा। बहुत जल्दी से इसका मसाज करके हटाना नहीं चाहिए, कुछ देर इसका मसाज करना चाहिए। और मैं प्रॉपर 1 घंटे तक इसका 25 मिनट तक मैं इसका मसाज करूँगी, उसके बाद मैं पैक लगाऊंगी। तो इतना देर तो इसको करना ही चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। और इससे ऑयल बिल्कुल आपके चेहरे पे नहीं आएगा, लेकिन इतना फ़र्क आएगा आपके चेहरे पे कि मैम का चेहरा मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल वाइट लगने लगेगा, ग्लोइंग लगने लगेगा। और गर्मी में जैसा कि फेशियल के बाद जो पसीना आता है वो भी नहीं आएगा। तो आज मैं ये दोनों चीज़ ये मैम के चेहरे पर करके दिखाने जा रही हूँ, तो आप इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा और देखिएगा कि इनके चेहरे पर कितना फ़र्क आता है। तो सबसे पहले मैं इनके चेहरे पर क्लिंजर लगा के छोड़ूंगी, जैसा कि मैंने आपसे कहा मैं पहले ब्लीच लगाने जा रही हूँ, तो इसके पहले मैं इनके चेहरे को थोड़ा क्लीन करूँगी। क्लीन करने के बाद टोनिंग से हम इनके चेहरे को क्लीन करेंगे। तो मैं सबसे पहले टोनिंग करूँगी क्योंकि आज ये जो है सुबह से आई हैं, थोड़ा सा दूर से आई हैं रूट से, तो इनके डस्टिंग काफ़ी निकलेगी चेहरे का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अच्छे से रिमूव करना चाहिए चेहरे को ताकि डस्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, तभी आपका कोई काम स्किन पे होगा। और ये देखिए, ऐसे तो इनका चेहरा बहुत साफ लग रहा था, आपने देखा ही है, लेकिन ये देखिए कितनी ज़्यादा मैल और गंदगी इनके चेहरे पर थी, जो अभी इतनी निकल गई है।
ये टोनर जो है अयूर का है और एप्लॉम, दो टोनर मैं यूज करती हूँ। और टोनर आपको हमेशा यूज करना चाहता है चाहिए अगर आप चाहती हैं कि मेरे चेहरे पर डस्ट ना जमे, तो कम से कम 2 से 3 बार टोनर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। देखिए इतनी डस्टिंग टोनर ने निकाल दी है। अब आगे का काम हम करते हैं। सबसे पहले मैं इनके चेहरे पर क्लिंजिंग करूंगी, जैसा कि मैंने बताया क्लिंजर करने के बाद ही हम ब्लीच लगाएंगे। क्लिंजर मैं एप्लॉम का यूज करने जा रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार इसके बारे में बताया है कि अगर आपको फेस की क्लिंजिंग करनी हो तो आप जो है इसका ही इस्तेमाल करिए। बहुत स्मूथ क्रीम ये होता है और बहुत अच्छे से ये क्लिंजिंग आपके फेस पे करता है। तो इस तरह से हम क्लिंजिंग लगा देंगे इनके चेहरे पर और थोड़ी देर हमको इनके चेहरे पर इसको लगा कर छोड़ना है, इसके बाद हम ब्लीच करेंगे। अब मैंने इनको क्लिंजिंग लगा दिया है और 2-3 सेकंड रुकने के बाद मैं थोड़ा सा मसाज करके इसको हटा दूंगी, उसके बाद मैं ब्लीच लगाऊंगी। क्लिंजर हो चुका है इनके चेहरे पर और पूरा समय भी प्रॉपर हो चुका है जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो अब मैं क्लिंजर का थोड़ा सा मसाज करके इनका क्लिंजर रिमूव करूंगी और उसके बाद ये मैं आपको ओलिविया का ब्लीच लगाना बताऊंगी कितनी क्वांटिटी में। ओलिविया ब्लीच कैसे बनाना है ये मैं बताने जा रही हूँ आपको। इस एक फेस के लिए इतना क्वांटिटी काफी होता है, इतना आपको लेना है ब्लीच। अगर गले उले पे लगाना है तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए। और उसके बाद ये आता है इसका अमोनिया पाउडर, इस तरह का छोटा सा चम्मच ये देता है, जिसमें आपको इतनी क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी आप देख रहे हो इतनी क्वांटिटी में इसके अंदर इसको मिलाना है। और हम अब दोनों को बहुत अच्छे से फेटेंगे ताकि ये एकदम स्मूथ एक क्रीम जैसा बन जाए। मैंने इनका ब्लीच कर लिया है और आप जैसा कि देख रहे हो कि इनके चेहरे पे काफी लाइट आ गया है, काफी फर्क आ गया है इनके चेहरे पर। और अभी फेशियल करना बाकी है, इनका चेहरा काफी वाइट और ग्लोइंग लग रहा है जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये सब ये ओलिविया ब्लीच का असर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये ब्लीच बहुत बहुत ही अच्छा होता है और स्किन पे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। तो अब मैंने ब्लीच हटा दिया है और अब मैं इनका फेशियल स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं स्टेप 1 से स्टार्ट करूंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्टेप 1 में इन्होंने जो है क्लिंजिंग और स्क्रब दिया हुआ है। तो अब मैं क्लिंजिंग और स्क्रबिंग करने जा रही हूँ। क्लिंजर लगा के मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी और उसके बाद मैं मसाज स्टार्ट करूंगी। तो चलिए देखते हैं। Oh,
अब जैसा कि आप देख रहे हो कि इनका फेशियल कंप्लीट हो चुका है और इनके चेहरे पर जो ग्लो आया है वो आपको एकदम दिख रहा है कि कितना अच्छा ग्लो आया है इनके चेहरे पर। मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा आ गया है इनके चेहरे पर। और अब बस लास्ट फेस पैक लगाना बाकी है, वो जब मैं लगा लूँगी तो मैं आपको हटा के फिर इनका फेस दिखाऊँगी कि इनके चेहरे पर कितना फ़र्क आया है। और ये मेरा फेशियल कंप्लीट हो चुका है और आप जैसे कि इनका चेहरा देख रही हैं, काफ़ी फ़र्क आया है इनके चेहरे पर। तो अब मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि मेरा फेशियल कराकर इनको कैसा लगा और इनको सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, ये खुद बताएंगी। तो ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, तो वंदना प्लीज़ बताओ कि तुम्हें आज फेशियल करा के कैसा लगा। और जैसा कि तुम अपना शीशे में स्किन देख रही हो तो तुम हमें बताओ कि क्या फ़र्क आया तुम्हारे चेहरे पर। मेरे चेहरे में तो बहुत अच्छा फ़र्क आया है और जैसे कि हम टीचर हैं तो हमको हमेशा टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन अब आज कराएं सोच रहे हैं कि हर महीने नहीं तो एक महीने दो महीने तो जरूर आते हैं। तो टीचरों की लाइफ तो बहुत व्यस्त होती है और बहुत थक भी जाती होगी तुम लोग, तो इसको कराने से रिलैक्स भी तुम्हें बहुत मिला होगा। और करीबन कितने समय बाद तुमने फेशियल करवाया है? हम करीब इधर हमको लग रहा 5-6 महीने हो गए। हाँ, तो ये 5-6 महीने के बाद फेशियल कराई और इनके चेहरे पे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा अच्छा इनका चेहरा लग रहा है, काफ़ी रंग साफ लग रहा है। देख रहे हैं आप, देखिए इनके कलर बहुत बहुत ही अच्छा इफेक्ट आया है इनके ऊपर फेशियल का। और मैं इनको अंडर आई प्रॉब्लम इनको थोड़ी सी है तो इसके लिए मैंने इनको आलू का रस लगाने के लिए सलाह दी है, क्योंकि ये एक बार में नहीं जाता, ये टीचर है और आँख का काम भी बहुत ज़्यादा ये करती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जैसे हम लोग ब्यूटिशियन हैं तो हम लोग को भी ये प्रॉब्लम बनी रहती है। बाकी स्किन पे जो ग्लो है वो आप एकदम अच्छे से देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा इसका इनका स्किन लग रहा है, ग्लो कर रहा है। बाकी आँख के लिए ये कुछ करेंगी तो उससे आराम मिलेगा। तो आज मैंने आपको लोटस का और ये ओलिविया का डेमो दिखाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये फेशियल पसंद आया होगा और आप कहीं पार्लर में जाकर सजेस्ट करोगे कि मुझे लोटस का फेशियल करवाना है और ओलिविया करवाना है। और इसी तरह आप मेरे चैनल को देखते रहिए और अगर आपको ये डेमो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।